आज सुबह सुबह उठ के अमीर की नमाज की तरफ जा रहे हैं और ईद उल फितर का पहला दिन है आज और रोजे रखने के बाद और अभी ईद की तरफ ईदगाह की तरफ वन की है। ईद की नमाज पैदल पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ही पढ़ के आते हैं उसके बाद आपको मज़ीद बताते हैं कि आज हमने कितना एंजॉय करना है, कितना हल्ला गुल्ला करना है, आज बहुत मज़ा आएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि الحمد। नो, अब हम ईद की नमाज पढ़ के घर आ चुके हैं। बाकी जो फैमिली मेम्बर है वो स्टिल अभी ईद की नमाज पढ़ के राउंड लगा के आएंगे। आपको बहुत अच्छा रास्ता बदल कहते हैं, मैं अगर ईद जिसके बाद ना मोटरसाइकिल ना कुछ और मैं उसी रास्ते से पैदल घर की तरफ आ गया हूँ। और मुझे डर था दरवाज़ा भी नहीं खुलना क्योंकि हमारे जो दरवाज़ा है कल रात से बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है वो, बस छोड़ें क्या हुआ उसके साथ, उसके साथ बड़ी बुरी हुई है। तो अभी बैठते हैं, दो मिनट लगाते हैं, सबको ईद मुबारक मैसेज करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी अभी चंद लम्हे पहले अबूजान की तरफ से ईदी मिली है और अब मैं भाई को कह रहा हूँ अल्लाह के नाम पे ईदी दे दो। वो ईदी देने के बजाय ये भवान बाहर जा रहे हैं, है? तो मैं कह गया थक गया हूँ, कह गया कि थक गया हूँ, नए नोट दे दो। मोहल्ले के बच्चे मुझे भी कहते हैं भाई ईदी दे दो, ईदी दे दो, लेकिन किधर फाइनली अहमदाज तरीके ईदी देते हुए कड़क नोट हुए। ये आप ही बहुत बहुत शुक्रिया है। क्या महसूस कर रहे ईदी दे के? अफसोस, तेरा भला है। एज़ यूजल अब हम जाएंगे लोबिया, क्या नाम है लोबिया जी, कह रहा हूँ मैं, अब हम जाएंगे रोटियां लेने, फिर उसके बाद मिलेंगे रोटियों वाले पे, टाइम बहुत लगना, उम्मीद है कि वहाँ पे बेइंतहा रश हो। बाद में खाना वगैरह खा चुके, अब आ गई है इंतहाई शदीद किस्म की नींद। तो अब सोने लगे हैं, सोने के बाद उठेंगे, फिर देखेंगे शाम को फिर कोई प्लान बनता है तो ठीक है, नहीं तो बात नहीं, फिर सो जाएंगे। अगर प्लान बना तो भाई घूमने जाएंगे तो वो भी आपको साथ में दिखाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि सोने से पहले ना चंद लम्हे पहले तो जाके देखा हमारे चाचू आए हुए थे, वो हमें ईद देने आए थे, लेकिन ईद देने से पहले उन्होंने हमें बेहद ज़्यादा तंग किया, बड़ा शुगर लगाया, बड़ा मज़ा आया। चले आइए देखते हैं उसे। ईद मिलने से पहले के मनाजर का मैं यहाँ पे एंड करूँगा, ये बताते हुए सब लोग कहते हुए मुझे हंसी आती है, जो जान की फजूल है। ट्राई किया आज हमने बस, तो गाने शाने लगाए हैं मैंने अपने पास, बताना ये था कि बड़ा सोचा था कि आज बड़ा अच्छा सीन होगा हमारा, लेकिन इस तरह कोई सीन नहीं चला हमारा, ना ये दोस्त आया ना कोई और सीन हुआ, चाचू आए थे उनके पास ही बैठे थे। और हम 11 बजे मैं सुबह जब सोया था, सोने के बाद अभी उठाऊँ, अभी नहीं उठा मैं, तकरीबन 4 बजे उठाऊँ, 4 बजे के बाद उठने के बाद अंदर अभी हिम्मत ही थी मेरी कुछ करने के लिए, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा रोज़ा। उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई, अभी पता नहीं दोस्त आते हैं कि नहीं आते, उन्होंने भी लाला लगा कर रखा है, फैमिली मेम्बर भी सारे बाहर चले गए और मैं अब अपनी असल हकीकत पे आ गया हूँ। मैं ये खेलने लगा और फिर उसके बाद